दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2022 जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल मैच में केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के साथ एडिलेड में मैच खेला गया। इस मैच में जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान की टीम ने शान के साथ फाइनल में जगह बना ली है। अब उसका सामना भारत या इंग्लैंड में से किसी एक टीम के साथ होगा जो दूसरे सेमीफाइनल में जीत दर्ज करेगी। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में तीसरी बार जगह बनाई। पहली बार ये टीम साल 2007 में फाइनल में पहुंची थी, जहां से हार का सामना करना पड़ा था और उसे उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था। वहीं इसके बाद साल 2009 में ये टीम फाइनल में पहुंची थी और चैंपियन बनी थी, और अब 13 साल के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में कीवी कप्तान केन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने डैरिल मिचेल के नाबाद अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 153 रन का टारगेट मिला। पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट शेष रहते हुए 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बनाते हुए जीत दर्ज कर ली है। न्यूजीलैंड की टीम से जीत छीनते हुए सबसे बड़ी योगदान पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का रहा है, जिन्होंने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए अर्धशतकीय पारी भी खेली और न्यूजीलैंड को फाइनल में इस बार पहुंचने का सपना तोड़ दिया। वहीं T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का दमदार रिकॉर्ड जारी रहा और सातवें मैच में पाकिस्तान ने 5वीं जीत दर्ज की। दोस्तों बाबर आजम ने इस मैच में 38 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से अपना अर्धशतकीय पूरा किया और उनका 30वां इंटरनेशनल अर्धशतक रहा। उन्होंने इस मैच में 41 गेंदों पर 53 रन बनाए और पहले विकेट के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर 105 रन की शतकीय साझेदारी की। सुपर 12 स्टेज में खराब बल्लेबाज करने वाले बाबर सही वक्त पर फॉर्म में वापस लौटे हैं। मोहम्मद रिजवान ने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतकीय पूरा किया और इस मैच में 43 गेंदों पर 57 रन बनाए और कैच आउट हो गए। मोहम्मद हारिस ने 30 रन बनाए और कैच आउट हुए। वहीं साइन अफरीदी ने पहली पारी की तीसरी ही गेंद पर फिन एलन को 4 रन पर आउट करके अपने टीम को सफलता दिलाई। इसके बाद कानवे अच्छे लय पकड़ रहे थे और रन भी बनाने लगे थे, लेकिन वो 20 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन फिलिप्स को मोहम्मद नवाज ने अपनी गेंदों पर कैच आउट करा दिया और उन्होंने 6 रन बनाए थे। कप्तान केन विलियमसन ने 42 गेंदों पर एक छक्का व एक चौके की मदद से 46 रन बनाए और साइन अफरीदी की गेंद पर आउट हुए। डैरिल मिचेल ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतकीय पूरा किया। वहीं मिचेल ने 35 गेंदों पर नाबाद 53 रन की पारी खेली, तो वहीं जेम्स निसम ने नाबाद 16 रन की पारी खेली। वहीं पाकिस्तान की तरफ से साहिन अफरीदी ने 2 विकेट जबकि मोहम्मद नवाज को 1 सफलता मिली। दोस्तों आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ फाइनल में कौन सी मैच खेलेगी ये कल के सेमीफाइनल में पता चलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।